ओके नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अब हम शुरू करते हैं अपना 9B एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री, जो हम लोगों के कल 1, 2, 3 तक हो चुके थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए नोट करिए, कॉपी पेन लेके। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं साइड में, इसे बॉक्स बनाकर याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये जरूर लिख लो इसको जरा। साइन कॉस टेन कॉस सेक एंड कॉट, याद रहेगा साइड में ना। ओके, तो पहले हमको निकालना है टेन पी, टेन एंगल पी एंड क्यू निकालना है। तो हम लोग आंसर में पहले हमारा होता है फर्स्ट वाला टेन पी एंगल पी निकालते हैं हम लोग। थीटा दिया हमको पी, तो टेन वाला क्या होता है हमारे पास पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके ये तो ध्यान दिया परपेंडिकुलर ये बेस, ये हमारे पास एक चीज कमी है, ये है नहीं, तो इसलिए हम निकालते हैं इसका पाइथागोरस से इसका परपेंडिकुलर। ओके, ये एंगल आर है तो निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होता है पी क्यू स्क्वायर इक्वल क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर जान लीजिए, पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू टेन का स्क्वायर, ओके, माइनस क्यू आर बेसिस के लिए 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 यानी पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल 36 अंडर रूट इक्वल 6। सो ये परपेंडिकुलर आ गया 6, नोट डाउन करो इसको फटाफट। ओके, नोट हो गया होगा। तो हमने इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमने 6 निकाल दिया, सिमेट को हाईलाइट कर दिया 6 सेंटीमीटर। ओके, तो टेन एंगल को पी निकालना है, तो पी के लिए क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो पी के लिए बेस ये है, ये ठीक है ना, परपेंडिकुलर क्या है पी के लिए 8 है ये। अगर इसको हम इस तरीके से घुमाएं तो हमको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर ये मिल जाएगा हमको ना, और बेस ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 8/6। ओके, काट लेंगे इसको हम लोग 4/3। चलिए नोट करिएगा, इसी टाइप से हम लोग साइन पी निकालते हैं। साइन बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो कितना वैल्यू हो जाएगी इसका साइन के लिए, करा पी अपॉन एच परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, इस पी के लिए परपेंडिकुलर हमेशा 8 होगा। ओके, 8/10 हम लोग कट लेते हैं 4/5। ऐसी कॉस के लिए बेस अपॉन एच, तो उसके लिए बेस क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास क्या है 6 है और हाइपोटेनियस 10, 3/5। चलिए नोट करिए इसको। अब आइए हम देखते हैं क्यू के लिए, तो टेन क्यू पी अपॉन एच भी होता ही है, साइन के साइन के लिए क्यू के लिए पी अपॉन एच है, तो इसके लिए टेन के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू के लिए परपेंडिकुलर 6 एंड बेस 8, सो 3/4। ओके, साइन क्यू के लिए पी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 10, 3/5, साइन कॉस के लिए बेस और हाइपोटेनियस 8/10, 4/5। ओके, तो ये सब सुन आ रहा होगा, इसको नोट भी करते रहे साथ साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है सेकंड वाला, जिसमें पी क्यू, पी क्यू है 29 एंड पी आर है 21 mm। ओके, तो इसमें भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। पहले पाइथागोरस हम यूज करते हैं और पहले इसका बेस निकालते हैं। तो पाइथागोरस यूज करने के लिए हमारे पास क्या है क्यू पी, ये इसको कैसे लिख लें, पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर, ओके,
पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू 29 स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर निकालना है हमको, बेस क्यू आर स्क्वायर इक्वल 29 का स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ये होता है 841 और ये होता है 441 का, ठीक है ना। ये आ गया 400 यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल, क्यू आर स्क्वायर इक्वल, अब इसका हम ऐसा करते हैं कि क्यू आर इक्वल 400 अंडर रूट इक्वल 20, ये आ गया हमारे पास, ये हमें निकाला है अभी, और ये आ गया हमारे पास 20 mm। ओके चलिए इसको हम इतना नोट करिए पहले, चलिए देखते हैं इसको हम लोग 10p, हमारा ये 20 आ गया था, 10p के लिए पी अपॉन बी, बी के लिए परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए मैंने भी बताया था, रियल फॉर्म होगा इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ओके यानी 20, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये इसका बेस ही हो जाएगा 21, ऐसे साइन के लिए पी अपॉन एच परपेंडिकुलर 20, हाइपोटेन्यूस 29, कॉस के लिए बेस पी के लिए 21 और एच के लिए 29। देखो इसके लिए क्या होता है ना, ये बात समझ रखनी है कि जो ये जो भी एंगल ये दिया हुआ ये है या ये एंगल है, जहाँ पर इसके पास ये होगा ये इसका बेस होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये इसके लिए ये इसका बेस है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसको, या फिर एक काम करें दिमाग में इसको ऐसे इमेज का बना ले कि हमने इसको इस तरीके से घुमा दिया है और घूमने के बाद ये पी जाएगा तो इसका बेस नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, अब देखिए इसका निकालते हैं हम लोग क्यू, ठीक है ना, टेन क्यू, क्यू निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है इसका 21 एंड बेस 20, ऐसे ही साइन के लिए परपेंडिकुलर 21, हाइपोटेन्यूस 29, बी अपॉन एच बेस 20 एंड 29। ओके नोट करें इसको। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोगों, पी क्यू दिया है हमको, पी क्यू दिया है हमको 3.7, पी आर दिया है हमको 3.5। ओके यूज करते हैं पाइथागोरस, इसको लगाते हैं इसको, तो हमको दिया है ये पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर निकालना है हमको तो क्यू आर स्क्वायर लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर। ओके नोट करिएगा इसको साथ साथ में, तो क्यू आर निकालना है हम लोगों को, तो पी क्यू कितना दिया है 3.7 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर, ओके ये हमारे पास है, हो जाएगा ये 13.69 और ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 12.25 1.44 QR square equal और क्यू आर इक्वल अंडर रूट 1.44। ओके क्यू आर इक्वल हो जाएगा 1.2। ये हमारे पास आ गया ये 1.2 सेंटीमीटर, नोट डाउन करें इसको। देखिए इसमें भी हमको 10p लेना है, ठीक है ना, तो 10p हमारे पास पी पर यानी पी वाले एंगल से इसके लिए परपेंडिकुलर 1.2, बेस के लिए जाएगा 3.5। ओके साइन के लिए पी 1.2 हैप्पीनेस 3.7 एंड कॉस के लिए, कॉस के लिए अपना पी यानी इसके लिए जो बेस होगा
3.5 एंड हाइपोटेनियस 3.7। नोट डाउन करें फटाफट इसको। चाहे तो आप इसके पॉइंट बढ़ा सकते हैं, इसको पॉइंट बढ़ा के 12.35 लिख सकते हैं, 12.37 लिख सकते हैं इसको, और 35/37 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, पॉइंट रख सकते हैं इसको। ओके नोट हो गया। अब हम लोग क्यू वाले देखते हैं। क्यू के लिए क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो क्यू ये हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए 3.5 है, बेस इसके लिए 1.2 है, हम इसको 35/12 भी लिख सकते हैं। फिर परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर 35 है, साइन थीटा के लिए हाइपोटेनस क्या है 37, मतलब 3.7, इसको 35/37 भी कर सकते हैं। बेस क्या है इसके लिए 1.2, हाइपोटेनस क्या है 3.7, इसको हम 12/37 भी बोल सकते हैं राइट नाउ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कह रहा है कि जो वैल्यू है हमारे पास फॉर एनी एंगल थीटा, स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ओके, मतलब कह रहा है इसमें कि फॉर एनी एंगल स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये हमारे पास एंगल है और ये हमारे पास बी है और ये ए मान लिया हमने, सी मान लिया, इसको हम थीटा मान लेते हैं इस एंगल को, ठीक है ना, एंगल ए इक्वल थीटा। ओके, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, एंगल बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का है और वो हमारे वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास ये एक एंगल है 90 का है, 90 और एक थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल कैसे होगा, अगर ए बी सी है तो राइट एंगल क्या होगा, पाइथागोरस का जो रूल्स है वो उसको फॉलो करेगा ये, यानी इसका मतलब ये होगा ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी इसको फॉलो करेगा वो, है ना। लेकिन साइन बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, पी अपॉन एच, पी कौन है परपेंडिकुलर यानी बी सी, एच कौन है ए सी, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास अगर देखें दूसरा जो दो वैल्यू दिए हमको कॉस थीटा बी अपॉन एच, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, ठीक है ना। तो उसको रख के देखते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसके आगे हमने ये ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी हम लोगों ने, जिसकी साइन का क्या बोल रहा है बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, फिर जोड़ेंगे ओपन करेंगे तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग आगे जोड़ते हैं, इसको अभी स्क्वायर एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है हमको ऐसे मिले हम लोग उसको ए सी स्क्वायर, तो ए सी से ए सी वो कैंसिल यहाँ पर हो रहा है बी सी स्क्वायर और फिर से वो हमारे पास ए बी स्क्वायर है। आप लोगों को दिख रहा है कि दिख रहा है, ठीक है। तो ये ए सी स्क्वायर में लिया। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखें इसको इधर पर, तो आप देखिए बी सी स्क्वायर है ए बी स्क्वायर है और किसके बराबर है ये, ये बराबर किसके है, ये वाला जो ये भी हम लोगों ने इसको भी सॉल्व किया, ये वैल्यू आई है तो किसके बराबर है, एसी के बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी जो यहाँ पर लिखा है हमने ये है ए सी स्क्वायर अपॉन नोट करिए। ओके
ओके अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है कि द डायगोनल ऑफ ए सी बी डी ऑफ रोम्बस ए बी सी डी मीट एट ओ इफ ए सी इक्वल सिक्स ए सी इक्वल सिक्स एंड बी डी इक्वल एट फाइंड साइन ओ सी डी। हमसे कह रहा है कि ओ सी डी आपको फाइंड करना है। ओके चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि इसको हटाते हैं, देखिएगा इन रोम्बस ध्यान से लिखते हैं कि मेरे साथ साथ में इन रोम्बस एबीसीडी रोम्बस हमने ले लिया हम लोगों ने सपोज दैट। अब इसको बिठा दें यहाँ से, इसका याद ही हो चुका होगा नहीं तो चलिए रखे रहने देते हैं इसको यहीं पे। अभी ए बी सी डी डायगोनल कोई हम ग्रुप बना लेते हैं, जैसे एक रोम्बस ने बना लिया। रोम्बस में क्या होता है पता है ये स्क्वायर जैसा ही, सभी साइड बराबर होती है इसकी, ये वो पे है ये ए है ये बी है ये सी है और ए डी है। ठीक इन रोम्बस ध्यान दिया जो हमारे पास डायगोनल है ए सी AC एंड जो डायगोनल है हमारे पास AC एंड BD बाइसेक्ट कर रहे हैं AC एंड BD बाइसेक्ट एट O थोड़ा बड़ा बना दें इसको O point point O point पे मुझे दिख रहे होंगे। ठीक है ना तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऐसे अगर O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AO इक्वल क्या OC तो हो सकता है ना, हो सकता है। और ये एक्चुअल में क्या होता है कि एट ओ ओ पॉइंट इसको एक काम और कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं राइट एंगल, राइट एंगल क्योंकि ये राइट एंगल पे काट रहे हैं इसको। ठीक है ये क्या है इसको राइट एंगल हम लिख लेते हैं, ये हमारा राइट एंगल ध्यान रखिए। ऐसे मैंने था उसको रेक्टेंगल समझा दिया एओ एओ इक्वल एसी। ऐसे ही हमारे पास दूसरा कौन सा होगा OB इक्वल OD लिखते जाइए साथ साथ समझते भी जाएगा। ठीक है ना तो ये हमारे पास वैल्यू है हमारे पास और हमसे पूछा बोला है जिसने AC AC जो है वो फुल लेंथ है हमारे पास AC और BD कितने हैं तो AC AC कितना है सिक्स है तो AC दो पार्ट में है ना किस चीज में AO प्लस OC तो हम इसको थ्री थ्री कर सकते हैं ये भी थ्री हो गया ये भी थ्री हो गया है ना। ऐसे ही हमारे पास दिया है बीडी बीडी दिया है और बीडी ये भी लाइन बराबर सेगमेंट ये भी बराबर ये बराबर ये बराबर है ये दी भी दो पार्ट में है। ठीक है ना तो उसका मतलब ये जो हमारे पास ये जो एओ पहले था हमारे पास एओ और ओसी ये थ्री थ्री हो जाएगा हमारे पास जो ये सिक्स था। ठीक है ना ऐसे ही जो बी डी एट है बी डी जो एट हमारे पास है वो हमारे पास फोर यूनिट अभी कोई क्योंकि इसकी कोई अभी मेजरमेंट नहीं दिया यूनिट नहीं दिया तो हम इसको फोर यूनिट बोल रहे हैं इसको और ये फोर क्यों है ये भी फोर ये भी फोर और ये थ्री है थ्री लेकिन समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो हमको नोट क्या होगा अपने तो हमको ये जो है अगर हम देखें ए ओ बराबर ओ सी है तो हमको तीन मिल तीन सेंटीमीटर ऐसे ही ओ बी बराबर है ओ डी जी हम लिखे हमको फोर मतलब यूनिट ओके फोर यूनिट इसका और फोर यूनिट ये ओके। तो हम लोग देखते हैं इसमें अब हम लाते हैं इस पर पाइथागोरस। ठीक है ना जो एंगल लेते हैं हम लोग तो सबसे सबसे मेन चीज़ इसमें हमने हमने एंगल हम कौन सा ले रहे हैं इसमें। ठीक है ना तो इसमें ऐसा करते हैं हम लोग लेते हैं डी ओ सी लेते हैं हम लोग। ठीक है ना एंगल कौन सा इन ट्रायंगल डी ओ सी डी ओ सी हमने ले लिया। ठीक है ना तो डी ओ सी में क्या हमको मिला ये 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज रहता है डी सी स्क्वायर इक्वल डी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर डी कितना फोर स्क्वायर थ्री का स्क्वायर
16 प्लस 3 3 9 25 यानी डीसी स्क्वायर बराबर 25 यानी डीसी इक्वल अंडर रूट 25 इक्वल 5 और यहां इधर है 5 यूनिट। इसका मतलब ये वाली साइड जो हमको मिली है डीसी ये हमारी 5 यूनिट है। तो इस तरह से कह सकते हैं यूनिट बराबर यूनिट और यूनिट यूपी यूनिट क्योंकि कोई ना कोई क्योंकि लेंथ की कोई ना कोई एक यूनिट होती ही है। ओके हम इसको बिना ऐसे नहीं छोड़ सकते यूनिट। ओके तो ये हमको इतना मिल गया। अभी जो हम लगाते हैं अपना मेन जो है साइन ओ सी डी ठीक है पूछा है फाइंड साइन ओ सी डी नोट करें इसको हो जाओगे नोट इसको तो हम लोग देखते हैं इसमें इसको वैसे अगर बाहर उठा लें तो हमको ये एंगल से मिलेगा ओ ये सी और यहाँ पे डी ये फाइव यूनिट ठीक है ना और ये थ्री यूनिट और ये फोर यूनिट ठीक है ना। तो साइन निकालना है हमको साइन हमें निकालना साइन तो क्या होता है साइन ये अपॉन एच ठीक ओ सी डी कहा इसने मतलब ओ सी डी यानी इस वाले एंगल से ठीक है ना ओ सी डी तो कितना हमारे पास है परपेंडिकुलर इसके लिए फोर है एंड हाइपोटेन्यूज फाइव। सो इज द आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स नोट डाउन नोट कर लीजिएगा इसको समझ में अगर आ रहा है और नहीं आ रहा है तो इसको जो है मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीसी क्लासेस पे उस पर डाल के उसे भेज सकते हैं आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन उसमें नोट करिएगा। ओके एक गुड न्यूज है सभी के लिए आप घर में ही बैठ के अपना तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से सुबह या मॉर्निंग में आप रिविजन करना चाहें तो वो भी हो सकता है अच्छे से। अब मंडे से मैं इसको जो नाइन्थ क्लास का आई एस और सी बी एस ई के लिए है मैथ्स और मंडे को मैथ्स ट्यूसडे मैथ वेडनसडे थर्सडे को फिजिक्स एंड फ्राइडे अभी बायो आगे भी थोड़ा शेड्यूल देखेंगे दो दिन का ठीक है। ऐसे ही टेंथ के लिए मैथ वन टू थ्री थ्री डेज मैथ है फिजिक्स एंड बायो है तो ये मंडे से पूरा अप्लाई हो जाएगा टाइम के हिसाब से ये 5:30 तक वीडियो आ जाएगा और किसी दिन हफ्ते में दो दिन करीब लाइव भी रहने की कोशिश करूँगा ठीक है ना। अभी टाइम टू देखिएगा इसको फॉलो करिएगा और ये जो है मंडे से कंप्लीट चालू हो जाएगा और घर में बैठ के अपना रिवीजन जरूर करिएगा इसमें। ओके ओके बाय फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।